क्वेश्चन नंबर सेवन में कह रहे हैं कि पी क्यू आर एस आर पॉइंट्स ऑन अ सर्कल पी एक्स आर एंड क्यू एक्स एस आर स्ट्रेट लाइंस शो दैट ट्राइंगल पी क्यू एक्स ट्राइंगल पी क्यू एक्स इज सिमिलर टू ट्राइंगल एस आर एक्स ठीक है गिव अ रीजन फॉर ईच स्टेटमेंट यू मेक तो सबसे पहले तो हमने इसका सिमिलर होना प्रूफ करना है जी तो सिमिलर होने के लिए हम नॉर्मली यही करते हैं कि हम दो एंगल्स को आपस में ट्राइंगल्स के इक्वल प्रूफ कर देते हैं तो उससे उनकी सिमिलैरिटी जो है ना वो एस्टेब्लिश हो जाती है। अच्छा अब आ जाएं इस पे काम स्टार्ट करते हैं कि इसको हम कैसे सिमिलर प्रूफ करेंगे। PQX is similar to SRX. जी सर मैं एक तो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल बन रहा है वेरी गुड PXQ बिल्कुल और XQR बिल्कुल ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ये क्या है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है सही तो पी एक्स क्यू इज इक्वल टू एस एक्स आर और रीजन में हम लिखेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स ठीक है एक एंगल ये हो गया इसके अलावा जो XPQ है वो दोनों इक्वल होंगे क्योंकि वो एक ही सेगमेंट में है। दोबारा बताइएगा आपने क्या कहा एंगल XSR और XPQ XSR और एंगल XPQ ठीक है ये सेम सेगमेंट के हैं ठीक है यानी असल में वो हम वहां से भी कर सकते हैं लेकिन आपने Q और R को यूज किया ना तो Q R से एक एंगल P का बन रहा है ठीक है और Q R के दोनों पॉइंट से ही एक एंगल S का भी बन रहा है तो इसलिए ये इक्वल होंगे और यही काम हम PS के लिए भी कर सकते हैं कि PS से एक एंगल Q पे बन रहा है और PS से एक एंगल R पे बन रहा है तो सर्कल की प्रॉपर्टी है कि ये एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं तो R P Q शुड बी इक्वल टू R P R S X R S X ठीक है इसको R का नाम नहीं देना चाहिए था तो हमें X कहना चाहिए और ये दोनों इक्वल हैं बिकॉज दे आर एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ठीक है तो जब दो एंगल्स इक्वल प्रूव हो गए हमने प्रूव कर दिया कि ट्राइंगल पी क्यू एक्स इज सिमिलर टू ट्राइंगल एस आर एक्स और एंगल पॉस्टुलेट से ठीक है या एंगल इज इक्वल टू एंगल ओके पार्ट बी में कह रहे हैं कि पी एक्स इज 8.1 सेंटीमीटर क्यू एक्स इज 6.3 एंड एस एक्स इज 4.5 पी एक्स हमारे पास है पी एक्स 8.1 है अच्छा दूसरी चीज है क्यू एक्स वो है 6.3 ये 6.3 हो गया उसके बाद है एस एक्स वो 4.5 है ये आ गया
ओके आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है ये आर एक्स जी। तो इसके लिए हम क्या मेथड यूज करें? कोसाइन रूल। कोसाइन रूल कैसे यूज होगा? क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो हम इनकी जो साइड्स है ना कॉरेस्पॉन्डिंग उनकी रेशियो ले लेंगे। सही, तो हम रेशियो ले रहे हैं क्यू एक्स और एस एक्स की। क्यू एक्स अपॉन एस एक्स विल बी इक्वल टू पी एक्स अपॉन एक्स आर। पी एक्स अपॉन एक्स आर, अच्छा क्यू एक्स की वैल्यू 6.3, फिर उसके बाद एस एक्स की वैल्यू 4.5, पी एक्स की वैल्यू 8.1, और यहां से हम एक्स आर को कैलकुलेट करेंगे। तो बताइए क्या आंसर आ रहा है? 3.5 आ रहे हैं इसमें। तो 3.5 सेंटीमीटर इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं फाइंड द रेशियो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल एंड एरिया ऑफ पी एस एक्स। पी एस एक्स का है, पी एस एक्स, अच्छा ठीक है, इसका और इसकी रेशियो हमें फाइंड करनी है। ओके तो सही, एरिया हमें लेना है पी क्यू एक्स का, ठीक है, और हमें फाइंड करना है पी एस एक्स। ट्रायंगल पी एस एक्स, अच्छा जी, तो ठीक है, देखें हम ये करते हैं कि यहाँ पर ना हम फॉर्मूला यूज करते हैं साइन वाला। हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू एक्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एस एक्स। पी क्यू एक्स में हमारे पास 8.1 और 6.3 दो साइड्स हैं, तो हम उनको यूज करेंगे 1/2 टाइम्स 8.1 इनटू 6.3 एंड साइन ऑफ द एंगल इंक्लूडेड बिटवीन द टू साइड्स, यानी एक्स का एंगल आ जाएगा। ठीक है, अब आप मुझे ये बताएं कि ये जो एक्स का एंगल हमने इस फॉर्मूले में यूज किया ना, वो तो ये वाला है। ये जो दूसरी ट्राइंगल है इसके अंदर हमें एक 8.1 की साइड पता है, एक 4.5 की साइड पता है, तो ये वाला जो एंगल होगा ये हम इस एंगल के साथ इसको कैसे रिलेट करेंगे? सर 180 माइनस दैट एंगल। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखें अगर हम पी एक्स क्यू और पी एक्स एस जो कि ग्रीन में है, इन दोनों को अगर ऐड करेंगे ना तो आंसर क्या आएगा? 180 आएगा, क्योंकि ये बात उन्होंने हमें बताई थी कि क्यू एक्स एस जो है ना ये स्ट्रेट लाइन है। देखें ये जो इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई थी ना कि क्यू एक्स एस आर स्ट्रेट लाइंस, तो वो इसलिए दी गई थी कि यहाँ पर स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल्स बनते हैं एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक, उनका सम हमेशा 180 आता है, तो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। ठीक है, तो इस बात को देखते हुए मैं यहाँ पे अब एंगल की वैल्यू पुट कर लेता हूँ। हम यहाँ एक तो साइड पुट करेंगे सेम 8.1, एक हम पुट करेंगे 4.5 और हम पुट करेंगे साइन
180 डिग्री माइनस एंगल एक्स। अब ये बताएं, आप सबको ये बात समझ में आ गई? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? कि ये जो ग्रीन वाला एंगल होगा ना, ये 180 माइनस इसका जो सप्लीमेंट्री एंगल है वो होगा, यानी इसको हम 180 माइनस उधर वाला जो ब्लू वाला एक्स है ना वो लेंगे। अच्छा, अब देखें होगा क्या कि यहाँ पर 1/2 से 1/2 कैंसिल होगा, 8.1 से 8.1 कैंसिल होगा, 6.3 का अगर मैं डेसिमल कैंसिल कर दूं तो 6.3 के नीचे 10 आ जाएगा, 4.5 का डेसिमल कैंसिल करूं तो वो 10 उसके नीचे आएगा जो रेसिप्रोकेट होकर ऊपर चला जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है साइन एक्स, साइन 180 माइनस एक्स, इसका क्या आंसर आएगा? इसका आंसर आएगा 19 और 90 माइनस एक्स, तो इसका आंसर भी साइन आएगा। हाँ, तो साइन 180 माइनस एक्स का आंसर साइन एक्स आएगा। ठीक है, ये मैं अलग से यहाँ नोट भी कर देता हूँ कि साइन ऑफ 180 माइनस एक्स विल बी इक्वल टू साइन एक्स। सही, तो 180 का गायब हो गया। इसको ना फजल भाई आप यूं समझें कि ये ट्रिग्नोमेट्री की ना एक वो है, प्रॉपर्टी है। मिसाल के तौर पर अगर हम साइन 30 का आंसर निकालें कैलकुलेटर से तो वह आपको 0.5 मिलेगा। अच्छा, अगर मैं साइन 180 माइनस 30 जिसका मतलब होगा साइन 150 ये निकालूं तो जरा कैलकुलेटर पे चेक करें, साइन 150 क्या दे रहा है आपको? ठीक है, तो ये कहने का मतलब है कि साइन का जो आंसर एंगल एक्स पे आ रहा है, अगर इस एंगल एक्स को आप 180 में से माइनस करें और फिर इसका साइन लें तब भी वो आंसर सेम आएगा, यानी ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, ठीक है, मैंने वो साइन 180 भी देख लिया, वो जीरो आ रहा है। नहीं, 180 नहीं करना, देखें यहाँ लिखा हुआ है 180 माइनस सम एंगल, फिर आंसर निकालना है। ठीक है सर, वो जो आप कर रहे हैं ना वो इस तरह होगा कि अगर हम कहें कि साइन ऑफ जीरो कितना होता है तो वो जीरो होता है। अच्छा, साइन 180 माइनस जीरो तो वो साइन 180 ही बनेगा, वो भी आपको जीरो देगा। सही, तो ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 180 आए, यानी सप्लीमेंट्री एंगल्स हो, उन दोनों पे साइन का आंसर सेम आएगा। यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मिसाल के तौर पर 30 प्लस 150 ये सप्लीमेंट्री एंगल्स है ना, क्योंकि दोनों का सम कितना आ जाएगा 180। आप साइन 30 का आंसर निकालें, आप साइन 150 का आंसर निकालें, आपको सेम आंसर मिलेगा। इसी तरह एक और एग्जांपल देख लें, 60 प्लस 120 चूंकि इनका सम 180 आ रहा है तो इन दोनों का साइन सेम आंसर देगा, चेक करके देख लें। और इसी तरह कोई भी एंगल आप ट्राई करके देखें, जब तक वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे यानी उनका सम 180 आएगा तो उनके आंसर्स भी सेम आएंगे। अब इन दोनों आंसर्स को हम आपस में रिलेट कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर मैं कह सकता हूँ कि 30 = 180 - 150, यूँ भी लिख सकता हूँ, और मैं यूँ भी लिख सकता हूँ कि 150 = 180 - 30, ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इसी तरह ये दो एंगल्स ना जो कि सप्लीमेंट्री एंगल्स थे यहाँ पर आपस में रिलेट किए गए और दोनों का साइन सेम आंसर देगा। ओके, तो मैं आगे चलता हूँ।
यहाँ पर साइन एक्स से कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 से आप 10 को कैंसिल आउट कर देंगे, 9 सेवन जा और 9 फाइव जा, तो आपकी रेशियो का जो आंसर बनेगा वो होगा 7:5, ये इसका फाइनल आंसर है। चले क्वेश्चन 8 पे चलते हैं, क्वेश्चन 8 में भी कुछ डिस्कस करना है ना हमें, 8B है। यस सर। ओके, तो 8 में कह रहे हैं कि रेक्टेंगल एबीसीडी हैज एरिया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, ट्रायंगल पीसीक्यू इज रिमूव्ड फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ द रेक्टेंगल, बीक्यू एंड डीपी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 है और ये भी 4 है। अच्छा, ए बी इज एक्स, इसको इन्होंने एक्स ले लिया है, राइट डाउन एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स फॉर सी पी, आप ये बताना है कि सी पी इन टर्म्स ऑफ एक्स कितना होगा, कितना होगा जी बताइए। एक्स माइनस फोर, बस आसान है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि ये टोटल ए से बी तक एक्स था, इसमें से 4 सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास एक्सप्रेशन फॉर सी पी शुड बी एक्स माइनस 4 सेंटीमीटर। अच्छा, अब ये कह रहे हैं एक्सप्लेन वाई सी क्यू इज इक्वल टू 80 अपॉन एक्स माइनस 4, सी क्यू इसके इक्वल क्यों है, ठीक है, ये अब अगला क्वेश्चन है। अच्छा देखिए, अगर मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल को यूज करना चाहूँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल विल बी इक्वल टू ए बी लेंथ मल्टीप्लाइड बाय द विड्थ जो कि सी बी है, एरिया है 80, एक्स और सी बी दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, सी क्यू प्लस क्यू बी, और क्यू बी की वैल्यू कितनी है, 4 है, ठीक है, हम एक्स को वहां मूव करेंगे तो 80 अपॉन एक्स, यहाँ बचेगा सी क्यू प्लस 4, 4 को वहां मूव करेंगे तो वहां जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सो सी क्यू इज इक्वल टू 80 अपॉन एक्स माइनस 4, हेंस प्रूफ। ठीक है, तो ये वर्किंग है, बाकी ये कि चूंकि इसका एरिया 80 है और वो उसकी हाइट है तो एरिया के फॉर्मूले में पुट करने की वजह से इसका आंसर सेम आएगा। अच्छा, इसके बाद लिखा हुआ है शो दैट द शेडेड एरिया वाई सेंटीमीटर स्क्वायर इज गिवन बाय दिस। ओके, तो हमें ये करना है कि टोटल एरिया में से ना इसको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, और ये एक ट्रायंगल है, इस ट्राइंगल का एरिया क्या बनेगा, हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड, और किसी को भी बेस रख लें किसी को भी एल्टीट्यूड रख लें, ठीक है, इसमें सी पी की वैल्यू कितनी है, एक्स माइनस 4, और सी क्यू की वैल्यू अभी आपने निकाली वो 80 अपॉन एक्स माइनस 4 है, इसको हमने 32 में से सब्ट्रैक्ट करना है तो आपके पास वाई आ जाएगा, ठीक है, सो वाई शुड बी इक्वल टू 80 टोटल एरिया माइनस, यानी उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 1/2 टाइम्स, एक्स माइनस 4 और 80 अपॉन एक्स माइनस 4। ओके, तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि एलसीएम ले लेते हैं, तो 1/2 एक्स माइनस 4 एज इट इज, यहां पर एलसीएम आएगा एक्स का, एक्स का एलसीएम हो गया, क्या आ गया 80 माइनस 4 एक्स। अच्छा, अब आपके पास 80 माइनस यहां बन गया एक्स माइनस 4 इंटू 80 माइनस 4 एक्स, और इस पूरे का डिनोमिनेटर 2 एक्स है। अच्छा जी,
अब आप ये कर लें कि अब आप क्या कर लें, अब आप ये कर लें कि आप यहाँ पे एलसीएम ले लें फिर दोबारा से, तो 2x ये हो गया 160 x माइनस x को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 80x माइनस 4x स्क्वायर माइनस 84 जब 320 प्लस 16x ये हो गया। ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, ये पहले सिंपलीफाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 80 और 16 96x माइनस 4x स्क्वायर माइनस 320 और डिवाइड हो रहा है 2x से, तो ये आ जाएगा 160 माइनस 96x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 320 डिवाइडेड बाय 2x। अच्छा जी, अब आपके पास 160 में से 96 सब्ट्रैक्ट कर दें तो 64 बचेगा, 64x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 320 और होल डिवाइडेड बाय 2x। अब हम ये करते हैं कि हर टर्म का ना एलसीएम ब्रेक करके डिनोमिनेटर उसके नीचे अलग अलग से लिख देते हैं, ठीक है। तो अब देखें आपके पास 320 अपॉन 2x, इसमें आपके पास बचेगा न्यूमरेटर में 160 क्योंकि 2 उसको डिवाइड करेगा और एक नीचे x बचेगा। अच्छा, 2 2 4 और 2 बचेगा और एक x बचेगा तो प्लस 2x बचेगा, x से x कैंसिल हो जाएगा और प्लस 32। तो यही तीन टर्म्स थी जो कि आपको लेकर आनी थी आंसर में, 32 लाना था, 2x लाना था और 160 अपॉन x लाना था। सही, मैंने सीक्वेंस ऐसे ही चेंज कर दी, अगर मैं उसी सीक्वेंस में रखता तो उसी सीक्वेंस में आंसर आ जाता। इस तरह आप इसके नीचे लिख देंगे कि आपने प्रूफ कर दिया, नीचे हम लिखेंगे हेंस प्रूफ। जी, यहां तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। ओके जी, आगे चलते हैं। डी कर लिया आप लोगों ने, या डी में भी कोई प्रॉब्लम है? अब ये देखें, वो वैल्यू पुट करके टेबल कंप्लीट करना है, टेबल कंप्लीट करने के बाद ग्रिड पे उसको ड्रॉ करना है, फिर मिनिमम पॉसिबल शेडेड एरिया वो आपको बताना है क्योंकि आपने एक्स के अगेंस्ट में वाई यानी एरिया को प्लॉट किया हुआ है। तो वाई की जो सबसे कम वैल्यू होगी वो आपका मिनिमम पॉसिबल शेडेड एरिया होगा। जी जरा बता दें, आप में से किसी ने इसको कर लिया है या नहीं किया है? अच्छा, खामोशी का मैं ये मतलब समझूंगा कि किसी ने भी अटेम्प्ट नहीं किया, ऐसा ही है ना? ओके, डीप पार्ट कर दिया बस। अच्छा चले, तो ये हो गया। बड़े अफसोस के साथ सर, मैं नहीं किया, अगर आपके लिए मुमकिन हो तो आप करा दें। हाँ, मैं करवा देता हूँ, लेकिन ये मतलब अच्छी चीज नहीं है, आपको अटेम्प्ट करके रखना चाहिए ना। और ये इसमें कोई ऐसी चीज भी नहीं है, ये आप पहले कर चुके हैं आराम से। तो खैर, हमने ये करना है कि पॉइंट्स को ना मार्क करना है। तो 480 4 पे हम आ गए, ये रहा 80 ऊपर, यहाँ मार्क हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद है 6 पे 70.7, तो 70.2 4 6 नहीं, ऐसे नहीं है, तो 71 है और 70.7 है, तो ये यहाँ कहीं मार्क होगा।
फिर उसके बाद है 68, ये आगे 68, फिर ये मार्क होना है 10 पे भी 68 है, अच्छा 10 पे भी 68 हो गया, फिर उसके बाद है 12 पे 69.3 69.3 तो ये यहाँ कहीं मार्क होगा, अच्छा उसके बाद है 71.4 यहाँ कहीं मार्क होगा, अच्छा उसके बाद है 74, ये आ गया आपका 74, उसके बाद आपका आ गया 76.9, यहाँ मार्क होगा कहीं, और लास्ट है 80, ये आपका पॉइंट 80 आ गया, ठीक है। अब हमें इसको स्मूथ हैंड कर्व से ज्वाइन करा के ना कर्व बनाना है अपना, ये हो गया स्मूथ हैंड कर्व, लग रहा है स्मूथ हैंड, सिर्फ एक पॉइंट ऐसा है जहां पे जरा डबलिंग हुई है, बाकी तो ऑलमोस्ट सही है। अच्छा जी, ये आपका कर्व हो गया। अब कह रहे हैं कि फाइंड योर यूज योर ग्राफ टू फाइंड मिनिमम पॉसिबल शेडेड एरिया, तो मिनिमम पॉसिबल शेडेड एरिया जो है ना वो आपके पास 67.8 ऐसे कुछ आना चाहिए मेरी प्लॉटिंग के मुताबिक, 67.8, क्योंकि देखें यहाँ पर ना वो पॉइंट होगा जिसकी वाई की वैल्यू मिनिमम होगी, वाई से नीचे वैल्यू नहीं लेगा, और वाई आपका एरिया ऑफ द शेडेड रीजन है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू जो है ना 67.8 ऐसे कुछ आ रही है, सही। मार्क स्कीम देख लेते हैं क्या है, आप में से है किसी के पास कोई भी मार्क स्कीम? अच्छा, आप में से अक्सर लोग शायद मोबाइल पे ही क्लास ले रहे होते हैं, ये अच्छी चीज नहीं है, कम से कम एक लैपटॉप रखा करें, और पढ़ते हुए तो वैसे भी मोबाइल को ना कहीं साइड वाइड पे रख दिया करें। कौन सा पेपर कर रहे हैं अभी हम? विंटर 2-1 कर रहे हैं। अच्छा जी, कौन सा क्वेश्चन है? 67.4 आंसर। अच्छा, कहाँ है? क्वेश्चन 8। हाँ, ये कह रहे हैं कि 67.4 अप टू, बट नॉट इंक्लूडिंग 68। अप टू का मतलब है कि 68 से नीचे 67.4 तक के जो आंसर्स हैं वो एक्सेप्टेबल हैं, 68 एक्सेप्टेबल नहीं है, 68 से कम होना चाहिए। देखें 68 जो है ना वो तो ये वाले पॉइंट्स हैं, जो ये वाली लाइन है ना ये 68 है। अब जाहिर है जब आप कर्व बनाएंगे तो कर्व को थोड़ा नीचे से लेकर जाएंगे ना, वो नीचे से जाएगा तो 68 से कम कुछ वैल्यू लेगा, लेकिन वो कितना नीचे जा सकता है? वो जा सकता है 67.4 तक। वो 67.4 जो है ना वो ये वाला, ये वाली वो बनेगी लाइन, यहां से आ रही होगी, ये होगी 67.4 की लाइन। कह रहे हैं कि इतना सही है या इससे ऊपर, लेकिन इससे नीचे नहीं जाना चाहिए, और वहां पर 68 इसका आंसर नहीं हो सकता, तो इस रीजन में रहेगा।
आपका आंसर, मैंने 67 पॉइंट कितना बताया, 8 बताया ना, तो वो मार्क स्कीम के मुताबिक सही है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है सर। अच्छा जी, 9 में भी है कोई चीज डिस्कस करने वाली? 9 बी और सी, क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, द डायग्राम शोज the positions of three farms A, B and C on a horizontal ground. Farm B is on a bearing of 125 from farm A. AB, BC और AC तीनों आपको given है. Show that BAC 44 है. इसमें मसला क्या है? आपको ये निकालना है. कैसे निकालेंगे ये वाला एंगल? जबकि ट्राइंगल के तीनों लेंथ्स आपको given है और ट्राइंगल राइट एंगल नहीं है. तो आप क्या यूज करेंगे? सर बस कोसाइन रूल यूज करेंगे. सो कॉस ऑफ द एंगल BAC विल बी इक्वल टू नेगेटिव में आ जाएगा BC का स्क्वायर, बाकी AB और AC पॉजिटिव आएंगे, 2 टाइम्स AB और AC ये आएगा. अब आपने इसमें वैल्यूज पुट करनी है और इसको सिंप्लीफाई करना है और देखना है कि आपके पास सेम आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा. किसी का नहीं आता तो फिर बता दीजिए, वरना तो ये सिंपली प्रूव हो जाएगा. अच्छा, अगला पार्ट भी बता देता हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं. कैलकुलेट द बेयरिंग ऑफ ए फ्रॉम सी. ए का बेयरिंग सी से, तो आपका नॉर्थ कहाँ बनने वाला है? सी पे. अच्छा, जब हम बेयरिंग बनाना चाहेंगे तो हमें ये वाला एंगल चाहिए होगा. ठीक है, तो अब ये बताएं कि यहाँ पर हम ये रिलेशन कैसे यूज करेंगे. ये बताएं ये वाला एंगल कितना होगा जो अब मैं मार्क करूंगा, ये वाला एंगल. मैं इसको अलग से ड्रॉ करके भी बताता हूँ. देखें, ये आपका पॉइंट ए है, ये आपका पॉइंट सी हो गया. यहाँ पर भी मैं एक नॉर्थ बनाता हूँ. दोनों नॉर्थ पैरेलल लाइंस होंगी. ठीक है, ये जो एंगल अभी मैंने ड्रॉ किया, ये 125 प्लस 44. मैंने आपको ये बताया था कि ए के ऊपर नॉर्थ है, बी के ऊपर नॉर्थ है, दोनों पैरेलल लाइंस हैं. ए पे बनने वाला जो एंगल है ये 125 प्लस 44 के इक्वल होगा. तो 129 में अगर हम 40 ऐड कर दें, 139, 149, 50 और 60, तो ये एंगल हो जाएगा 169. अब आप ये बताएं कि ये वाला एंगल कितना होगा. ये 11? वाला जो, हाँ ये 11 होगा, क्योंकि 169 और ये 11 जो है ना सम होकर 180 हो जाएंगे. ठीक है, तो अगर ये वाला एंगल आपके पास 11 आ गया है, तो ये जो बाकी का एंगल है जो कि बेयरिंग ऑफ ए फ्रॉम सी बनेगा, वो कितना होना चाहिए? वो कितना होना चाहिए? 360 में से हम क्या करेंगे, 11 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपके पास आंसर 349 आ जाएगा. सही है, क्लियर है? चलो, तो अब आप ऐसा करें कि ये इसमें जरा वैल्यूज पुट करके चेक कर लें कि आंसर सही आ रहा है या नहीं कोसाइन रूल से, फिर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे. जी, तो आपने बताया कि 44.017 आ रहा है ना, तो जब हम इसे वन डेसिमल प्लेस पर लाएंगे ना, तो आंसर 44.0 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 2 हम ड्रॉप कर देंगे ना. सही, तो इस तरह से आपके पास ये एंगल 44 के इक्वल प्रूव हो जाएगा. अच्छा, अब इसका पार्ट सी देखते हैं. फार्म ए एंड फार्म बी आर जॉइंड बाय अ स्ट्रेट ट्रैक ए बी. अमीरा वॉक्स अलॉन्ग द ट्रैक फ्रॉम ए एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 4.6 किलोमीटर पर आवर
कैलकुलेट द टाइम इट टेक्स फॉर अ मिरर टू वॉक फ्रॉम ए टू द पॉइंट दैट इज क्लोजेस्ट टू फार्म सी गिव योर आंसर इन मिनट सेकेंड्स एंड करेक्ट टू द नियरेस्ट सेकेंड. अच्छा फॉर्म ए एंड फॉर्म बी आर जॉइंड बाय स्ट्रेट ट्रैक ए बी. ठीक है स्ट्रेट ट्रैक ए बी हो गया. ठीक है अच्छा अब करना क्या है walks around the track from A. ठीक है 4.6 की स्पीड है. Give calculate the time it takes for a meter to walks from A to the point that is closest to from C. अच्छा अच्छा जी देखें अब वो जो अमीरा है ना वो A से ना B की तरफ walk कर रही है यूं आ रही है. ठीक है अब आपने उस पॉइंट तक उसको लाना है जो सी से नियरेस्ट हो. सी से नियरेस्ट पॉइंट जो ए बी का होगा वो पॉइंट होगा कि जहां से सी से आने वाली लाइन ए बी के साथ कौन सा एंगल बनाएगी 90 का. ठीक है और हमें ये देखना है कि ए से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना बन रहा है क्योंकि डिस्टेंस हमें चाहिए होगा. उस डिस्टेंस और स्पीड को यूज करके फिर हम टाइम बता सकते हैं. अब ए से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कैसे आएगा फिर कॉस अगर हम यूज करें तो. बिल्कुल सही. ठीक है तो अब देखें यहां पर ना एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है. सही अगर मैं इस पॉइंट को डी का नाम दे दूं तो अब हम कंसिडर करना चाह रहे हैं ट्राइंगल ए सी डी जिसमें डी का जो एंगल है वो 90 डिग्री है. एंगल ए हमें पता है वो हमने फाइंड किया था वो 44 डिग्रीज था. यहां पर अब इस ट्राइंगल के अंदर मुझे फाइंड करना है एडजेसेंट यहां पे बन रहा है ए डी. अच्छा एक और साइड मुझे पता है जो कि ट्राइंगल में क्या बनेगी हाइपोटन्यूज और हाइपोटन्यूज यहां पर ए सी है जो कि 520 हमें पहले से गिवन है उसी को हम एज अ हाइपोटन्यूज यूज करेंगे. तो अब हमने यहां पर रेशियो कंसिडर किया कॉस का कॉस ऑफ द एंगल ए will be equal to AD adjacent divided by the hypotenuse जो के है 520. तो AD is equal to 520 multiplied by cos 44. तो अब बताइए आपके पास कितना आंसर आ रहा है. जी 520 मल्टीप्लाइड बाय कॉस 44 कितना आंसर आ रहा है सर. मैं 374.05 तो हम इसको अगर राउंड ऑफ करें तो ये 374 मीटर्स बन जाएगा. सही और हमें स्पीड चूंकि किलोमीटर्स में गिवन है तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं 1000 से तो ये बन जाएगा 0.374 किलोमीटर्स. सही तो अब हमें यहाँ पर आकर वर्किंग करनी है. कांस्टेंट स्पीड है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ये फॉर्मूला हम उस वक्त यूज करते हैं जब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा हो. अच्छा अब हमें चूंकि टाइम चाहिए तो टाइम के लिए हम क्या करेंगे हम डिस्टेंस को डिवाइड कर देंगे स्पीड के साथ. डिस्टेंस आ गया 0.375 डिवाइड किया हमने उसको 4.6 से और आंसर बताइए डेसिमल में क्या आ रहा है.
सर मैं 0.08 ओके okay. अच्छा जी, तो इसका मतलब हो गया कि आपके पास 0 hours और 0.81 को हम सॉरी एक मिनट 0.08 कर लेते हैं, बस 0.08 को हम 60 से डिवाइड कर देते हैं तो ये मिनट्स बन जाएंगे। ठीक है, आप इसे डिवाइड करके बताइएगा कितना आंसर आ रहा है। एक मिनट फजल भाई कुछ गलत जी सर, अभी रुके। उस 0.8 को हमें डिवाइड नहीं करना, उस 0.8 को हमें मल्टीप्लाई करना है क्योंकि हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जा रहे हैं, तो 60 से मल्टीप्लाई किया हमने। अब बताइए क्या आंसर आ रहा है। 48 एग्जैक्ट 48 आ रहा है। 0.8 मल्टीप्लाई बाय 60 48 0.08 ठीक है सर, सॉरी। अच्छा, एक थोड़ा सा काम और करें, आप 0.081 को मल्टीप्लाई करें 0.081 मल्टीप्लाइड बाय 60 4.89 हाँ ये हो गया 4.89। अब इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास मिनट्स कितने हो गए 4 प्लस। अब आप ये करें कि 0.89 को मजीद 60 से मल्टीप्लाई करके मुझे सेकंड्स बताएं कितने आ रहे हैं। 53.4 सेकंड्स। ओके, अब हमें इसको लाना है करेक्ट टू द नियरेस्ट सेकंड, तो हमें 0.4 को ड्रॉप करना पड़ेगा। अब 4 5 से छोटा नंबर है तो वो सिंपली ड्रॉप हो जाएगा और हमारा आंसर 4 minutes 53 seconds बन जाएगा। ठीक है, इसको चेक भी कर लेते हैं, ये देखें 4 minutes 53 seconds। ओके, अ हेलीकॉप्टर होवर्स वर्टिकली अबव बी, the angle of elevation of the helicopter from farm A is 10.7 degrees. Calculate the angle of elevation of the helicopter from farm C. देखें, अब ना आपके पास ये जो पॉइंट बी है ना, इसके ऊपर बिल्कुल एग्जैक्टली इसके ऊपर यहाँ कोई हेलीकॉप्टर है और उस हेलीकॉप्टर से अगर हम वर्टिकल हाइट नीचे लाएंगे, बी को कनेक्ट करेंगे, तो ये वाला जो एंगल है ना ग्राउंड पे, ये बन जाएगा 90 का। अच्छा, ए से जब हम इस हेलीकॉप्टर को देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, वो बन रहा था 10.7 जी, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 10.7। इसको यहां लिख देता हूँ बी को, ये आ गया 10.7। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आप उसी हेलीकॉप्टर को सी से देखें, अगेन ये एंगल तो ग्राउंड पे 90 का ही होगा, आपको ये बताना है कि ये एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम सी ये कितना बनेगा। जी, सबको ये सिचुएशन समझ में आ गई। नहीं सर। देखें फजल भाई, ये 3D फिगर है, आप खड़े हैं फार्म बी पर और आप एग्जैक्टली वर्टिकली अपने ऊपर देखें तो आपके बिल्कुल ऊपर एक हेलीकॉप्टर है, उस हेलीकॉप्टर से जो लाइन आप नीचे ग्राउंड तक लाएंगे वो वर्टिकल लाइन ग्राउंड के साथ क्या एंगल बनाएगी। सर 90 का। बस ये तो आसान है ना, वर्टिकल लाइन हमेशा हॉरिजॉन्टल के साथ 90 का ही एंगल बनाती है। अच्छा, अब
सी से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, क्या हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं अभी? नहीं कर सकते, क्योंकि देखें ये जो ट्रायंगल बन रहा है ना, इसको मैं ई का नाम दे देता हूँ, सी ई बी। इसके अंदर सिर्फ हमें एक साइड पता है, इस एक साइड के अलावा हमें कुछ नहीं पता। हाँ, अगर हमें यहाँ पर बी ई यानी ये जो हाइट है ये पता चल जाए तो फिर हम ये एंगल निकाल लेंगे। सही। अब वो हाइट आप कहाँ से पता करेंगे? सर टैन से, लेकिन वो एंगल हमें नहीं पता। ऐसे करते हैं ना, हम ट्रायंगल ए बी ई में चलते हैं, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन हमें इसलिए बताया गया था। तो मैं लिखूंगा टेन ऑफ 10.7 डिग्री। 10.7 के सामने वाली लाइन बी ई हमारा ऑपोजिट होगा और ए बी हमारा एडजेसेंट हो जाएगा। ठीक है, ए बी की वैल्यू हमें पता है, वो है 950। अब हम यहाँ से बी ई कैलकुलेट कर सकते हैं, तो बी ई का आंसर आएगा 950 मल्टीप्लाइड बाय 10 ऑफ 10.7 डिग्रीज। बताइए बी ई कितना आ रहा है? जी कितना आ रहा है बताइए? 179.5 मीटर्स। ठीक है, अब ये हाइट हमने इसलिए यूज की थी, फाइंड की थी, ताकि हम वो एंगल निकाल सकें। तो अब मैं लिखता हूँ कि अब हम आगे कौन सी ट्रायंगल में, ट्रायंगल सी बी ई में, टेन ऑफ द एंगल बी सी ई विल बी इक्वल टू बी ई which is 179.5 divided by CB which is 680. तो BCE जो आपका required angle of elevation है वो आपको मिलेगा tan inverse of 179.5 divided by 680 से। अब आप मुझे बताएं क्या आंसर आ रहा है? सर उमर 14.787। तो 7.8 का मतलब 8 हो गया, तो 14.8 जो है इसका एंगल ऑफ एलिवेशन होना चाहिए। देखिए 14.8 या 7.8 या 7.9 सब सही आंसर है। ओके चलिए ये हो गया। अब 10 में भी है कोई डिस्कशन? टेन में ही तो असली डिस्कशन है। अच्छा चलो असली डिस्कशन कर लेते हैं। तो 10 आ गया, 10 में कह रहे हैं पॉइंट्स P एंड Q एंड द लाइन L आर शोन ऑन द ग्रिड। ठीक है, कैलकुलेट द लेंथ PQ। जी ये निकाल ली होगी आपने लेंथ ऑफ PQ के लिए आपने कौन सा फॉर्मूला यूज किया? सर डिस्टेंस फॉर्मूला। बिल्कुल सही फरमाया। और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब ये बताएं p के कोऑर्डिनेट्स और q के कोऑर्डिनेट्स, x और y की फॉर्म में अगर मैं पूछना चाहूं तो 1 किसके सबस्क्रिप्ट के साथ आएगा और 2 किसके साथ आएगा? सर p के साथ 1 आएगा, q के साथ 2। पहला पॉइंट हमेशा x1 y1 होता है और दूसरा पॉइंट हमेशा x2 y2 होता है। अब आप मुझे ग्रिड में से देखकर बताएं कि P के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं।
माइनस फोर और माइनस थ्री माशाल्लाह। तो ये हो गया माइनस फोर और माइनस थ्री, यानी आप एक्स वन की जगह माइनस फोर और वाई वन की जगह माइनस थ्री पुट करेंगे। अब आप ग्रिड में से देखकर बताइए कि क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। अच्छा एक मिनट रुकें, समीन साहब आप नहीं बताइएगा, मैं किसी से पूछता हूँ वो बताए। इफ्रा आप बताइए क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या बन रहे हैं। थ्री और फाइव। सही, थ्री और फाइव। तो अब हमने यहाँ पर अपने पास नोट कर लिया कि ये थ्री कॉमा फाइव है। अब सिंपल आपने इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है और इसे सिंप्लीफाई करना है। तो जिसने किया हुआ है वो बता दें क्या आंसर आ रहा है इसका। सर मेरे पास 10.6 आया था। 10.6 सेंटीमीटर, ठीक है, बिल्कुल सही है, आपके पास 10.6 है। अच्छा नेक्स्ट ये कह रहे हैं शो दैट द इक्वेशन ऑफ लाइन एल इज दिस। लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, कोई से दो पॉइंट्स। तो मिसाल के तौर पर एक पॉइंट आप ये वाला ले लें जो कि है 1.0, और एक पॉइंट आप मिसाल के तौर पर ये वाला ले लें जो कि है -2.1। अच्छा अब ये दो पॉइंट्स आपने कंसिडर कर लिए 1.0 एंड -2.1। इनकी मदद से आप पहले ग्रेडियंट निकाल लें y2 - y1 / x2 - x1। सो 1/-3 विच इज -1/3, ये ग्रेडियंट आ गया। अब आप फॉर्म यूज कर लें y - y1 = m × x - x1। अच्छा मैं 1, 0 का पॉइंट यूज कर लेता हूँ आसानी के लिए, y - 0 - 1/3 × x - 1। 3 को आप यहाँ मूव कर लें तो वो आके 3y हो जाएगा, और -x + 1 तो किस तरह अरेंज करना है, बस x को यहाँ लाना है। तो आपने लिखा 3y + x = 1 और नीचे आपने लिख दिया हेंस प्रूफ। ये प्रूफ करना था आपको, सही है। अच्छा आप कह रहे हैं लाइन M इज परपेंडिकुलर टू लाइन L एंड पासिस थ्रू पॉइंट P। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या थे वो हमें पता है, वो थे -4 - -3 -4 और -3। अच्छा अगर कोई लाइन किसी लाइन के परपेंडिकुलर हो तो दोनों के ग्रेडियंट्स में क्या रिलेशन होता है, उनका प्रोडक्ट -1 हो। बस m1 × m2 = -1। हमें पता है कि लाइन L का जो ग्रेडियंट था वो -1/3 था, तो लाइन L का जो ग्रेडियंट आएगा वो सिंपली कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, सही है। अब आपको ग्रेडियंट मिल गया, एक पॉइंट मिल गया, आपने दोबारा y - y1 यूज किया, यानी y - -3 m टाइम्स ग्रेडियंट टाइम्स x - x1 ये यूज कर दिया। सो y + 3 = 3x + 12। तो अच्छा इस फॉर्म में इनको आंसर चाहिए, ठीक है इस फॉर्म में दे देते हैं। तो y = 3x + 12 - 3, y = 3x + 9। ये देखिए y = mx + c की फॉर्म है, जिसमें m की वैल्यू आपको 3 नजर आ रही है और c की वैल्यू आपको 9 नजर आ रही है, ठीक है। तो चले जी ये कंप्लीट हो गया। अच्छा और कोई क्वेश्चन है इसमें आपने पूछना हो तो बता दीजिए, वरना जो क्वेश्चन मेंशन थे वो मैंने करवा ही दिए हैं। चले फिर मैं स्वाइन करता हूँ रिकॉर्डिंग को।